याद है कुछ सालों पहले जब एक रात 8 बजे अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कितने टाइम तक हमें एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, नोट्स बदलने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं और जाहिर है कि तब से हम हर तरीका आजमाते हैं कि उस सिचुएशन में वापस ना जाना पड़े। मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर्ड होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा। सातोशी नाकामोतो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बनके सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और वह सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लॉक चेन। सिंपल। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेफ कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह शुरू होने का टाइम दूर नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे नंबर एक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्टोर्ड जानकारी किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की तरह एक जगह नहीं रखी जाती, इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। दूसरा, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस पर नजर रख सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, ब्लॉकचेन पर हर इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को भी हम देख सकते हैं। चौथा, ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है। हर चीज़ का लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, मगर वही जानकारी को अगर ब्लॉकचेन के जरिए सेव करें तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। और आखिरी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत सेफ है तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है बहुत से भारतीय बैंक्स ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे ई-केवाईसी के लिए, ई सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या कागजात वेरीफाई करने के लिए, कमर्शियल लेटर्स बनाने के लिए इत्यादि। हमारी प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग ने भी ब्लॉकचेन पर व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया है जिसमें ई गवर्नेंस को लेकर इसके इस्तेमाल की बात की गई है। एक मजे की बात बताऊं, 2010 में पहली बार फ्लोरिडा के एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे थे, और आज एक बिटकॉइन की अगर कीमत लगभग 15 लाख रुपए है तो अनुमान लगाइए 10,000 बिटकॉइंस की कीमत क्या होगी। ऐसे ही आपको क्रिप्टो की दुनिया की मजेदार बातें बताते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए जी डिजिटल।